हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में आपसे मैं शेयर कर चुका हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूं कि आप इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा पिछला वीडियो प्लीज देख लीजिए, तभी आपका बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से। तो MS Office 2021 एक्टिवेट करने के लिए हम लोग पहले गूगल क्रोम में सर्च करेंगे KMS Pico, ठीक है। फिर सेकंड, फिर KMS Pico का ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग खोल लेंगे, ठीक है। ये एक साइट है, देख लीजिए मैं बोल रहा हूँ, और ये एक साइट है। तो ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट में नीचे दे दूंगा, मतलब लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, ये है ऑफिशियल। तो इसमें जाके आप KMS ऑटो में क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर KMS ऑटो में क्लिक करके आप नीचे आइए, फिर डाउनलोड KMS ऑटो करेंगे। इससे पहले आपको एंटीवायरस डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंटीवायरस इसको वायरस समझ के डिलीट कर देता है। तो हम लोग कोर्सेस जो आपका मतलब एंटीवायरस यूज करते हैं उसका शील्ड ऑफ कर दीजिए। तो मैं फाइल शील्ड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऑफ कर दिया अभी। फिर हम लोग डाउनलोड KMS ऑटो में क्लिक करेंगे, फिर इसे आप देख लीजिए, ठीक है। एक exe फाइल डाउनलोड होगा जिससे आप विंडोज भी क्रैक कर सकते हैं, मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं, और MS Office भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डाउनलोड KMS ऑटो में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, फिर हम लोग डाउनलोड में क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए पहले, कंट्रोल सी। फिर हम लोग डाउनलोड KMS ऑटो नेट में क्लिक करेंगे, फिर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर डाउनलोड में क्लिक कीजिए। ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, देखिए। तो ये डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है, ये देखिए, ये zip फोल्डर में आ चुका है। मैं अभी शो इन फोल्डर में दिखा देता हूँ। इसको हम लोग कट करेंगे, कट करके अभी हम लोग इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, डेस्कटॉप में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर आप क्रोम में जाइए, मैं पहले जो कॉपी करने के लिए बोला था मैंने इसको, मतलब उसको काट और पेस्ट करके KMS ऑटो को डेस्कटॉप में लाया, इसलिए फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको। फिर इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ओपन विथ विनर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, थोड़ा सा रुकिए। फिर एक्सट्रैक्ट टू डेस्कटॉप, ओके, ठीक है। अभी इसको, इस फोल्डर को हम लोग खोलेंगे। इसमें भी पासवर्ड है, ठीक है। पासवर्ड क्या बोलते हैं, zip फोल्डर के अंदर ही पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो इसको आप अभी KMS ऑटो डॉट नेट जो है उसको राइट क्लिक करके राजनेश एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर यस में क्लिक कीजिए, फिर पासवर्ड आप पेस्ट कीजिए, फिर ओके दबाइए, ओके दबाइए, ठीक है। अभी ये खोल गया। अभी खोलने के बाद आप देखिए इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, एक्टिवेशन भी देख सकते हैं। सिस्टम में जाके आप ये देख सकते हैं क्या क्या आपके पास है, क्या क्या नहीं है। अबाउट में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेन में जाके हम लोग एक्टिवेशन में क्लिक करेंगे। फिर
एक्टिवेट, अगर आप विंडोज एक्टिवेट करना चाहें तो एक्टिवेट विंडोज में क्लिक कीजिए। अगर एक्टिवेट ऑफिस करने, ओके, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। और अगर आपका विंडोज एक्टिवेट करना है तो आप एक्टिवेट विंडोज में क्लिक कीजिए। अगर ऑफिस एक्टिवेट करना है तो आपको एक्टिवेट ऑफिस में क्लिक करना है। ठीक है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये बंद हो चुका है, मतलब क्रैश हो चुका है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, पेस्ट किया, ओके। अभी देखते रहिए। थोड़ा सा रुकिए, हैंग हो चुकी है। और ये डिलीट हो चुका है, देखिए मैं बोल रहा था आपको ये डिलीट हो जाएगा, तो ये डिलीट हो चुका है। तो हम लोग प्रोटेक्शन में जाएंगे, क्वारंटाइन में जाएंगे अभी। ठीक है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, फिर रिस्टोर एंड ऐड एक्सेप्शन में क्लिक कर देंगे, क्लोज। ठीक है, अभी हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ में के एम एस ऑटो में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करेंगे, यस दबाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे, ओके ओके। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। ये अलग मतलब लैंग्वेज में आ सकता है, फिर भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर से हम लोग ट्राई करेंगे, पेस्ट, ओके। ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, फिर से हम लोग देखेंगे कि ये अलग वर्जन में डाउनलोड हो चुका है मेरा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ओके। अभी मेरा पास है ऑलरेडी, उसको हम लोग मतलब ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर्स, विंडोज एक्टिवेटर, के एम एस ऑटो, इसमें हम लोग ट्राई करेंगे एक बार। एक्टिवेशन, उसके बाद ये फिर से हम लोग क्वारंटाइन में जाएंगे, इसको हम लोग रिस्टोर एंड ऐड एक्सेप्शन में क्लिक कर देंगे, ओके। उसके बाद हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। एमएस ऑटो पेस्ट किया, ओके, फिर एक्टिवेशन में जाएंगे, फिर एक्टिवेट ऑफिस में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक यू।